गुड आफ्टरनून क्लास एट। आज हम लोग एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, जिसमें हमें 5AB को 6 से डिवाइड करना है और ABC की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर हमने देखा कि a माइनस 4 करने पर 3 आ रहा है, तो a माइनस 4 यानी कौन सा नंबर यहाँ पर एक ही जगह पर होना चाहिए जिसमें से हम 4 माइनस कर दें तो 3 आ जाए। तो हमने यहाँ पर लिखा कि a माइनस 4 इज इक्वल टू 3। अब ये 4 जाएगा इस साइड में, राइट हैंड साइड में, तो ये 3 में प्लस हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। इसका मतलब a की जगह पर अगर हम 7 लिखेंगे तो 7 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ 5 है, यहाँ पे हो गया आपका 7, यानी ये हो गया 57 और ये 54, तभी यहाँ पर 3 बच गया हुआ है। फिर नेक्स्ट हमने देखा कि लिखा हुआ है 6 × 6 36 होता है, यहाँ पे 36 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 6 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पहले हमने 6 9 किया तब तो फिर 54 आया, इसके बाद में हम 6 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी यहाँ 36 आ जाएगा, और 36 में से 36 को माइनस करेंगे तभी यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो 36 में से 36 को माइनस किया तो 0 आ गया, इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, बी की वैल्यू भी 6 होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमें क्या मिला, हमें ए की वैल्यू 7 मिल गई, बी की वैल्यू 6 मिल गई, और 6 × 36 किया था तो 6 की वैल्यू, सी की वैल्यू भी हमें 6 मिल गई। ए इज इक्वल टू 7, बी इज इक्वल टू 6 एंड सी इज इक्वल टू 6 इज द आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है, फाइंड टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज अ 1-डिजिट नंबर एंड द सम इज अ 2-डिजिट नंबर। यानी दो ऐसे नंबर हमें फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट, यानी जिनको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 1-डिजिट नंबर मिले, और अगर उनको जोड़ दिया जाए तो 2-डिजिट नंबर मिले। तो देखिए, 1 and 9 आर 2 नंबर्स, 1 और 9 आपके वो दो नंबर्स हैं हुज प्रोडक्ट इज़ अ सिंगल डिजिट नंबर। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो सिंगल डिजिट नंबर मिलता है, 1 9 are 9। लेकिन अगर हम इन दोनों नंबर का सम करते हैं, सम ऑफ द नंबर इज़ अ 2-डिजिट नंबर, तब हमें 2-डिजिट का नंबर मिलता है, 1 + 9 = 10। थैंक यू।